नमस्कार, अर्बन अपडेट के वन ऑन वन शो में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, जहां हम बात कर रहे हैं श्री संजय भूसरेड्डी से इस एग्रीकल्चर यानी कि कृषि की में दशा और दिशा कैसे तय की जा रही है उत्तर प्रदेश में, और ये कैसे आने वाले भारत का जो सपना है विकसित भारत या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, उसमें हमारा जो गांव है उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, और उसमें जो यंग फार्मर्स हैं यानी कि युवा किसान हैं उनका क्या योगदान रहने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे सर से। सर, आप बताइए कि हमारा जो युवा किसान है, क्योंकि हमारी ये जनरल अवधारणा यही है कि जो आने वाली हमारी यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, वो कृषि में इतना इंटरेस्ट नहीं रख रही है, उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है आपके डिपार्टमेंट के द्वारा और क्या कदम उठाए गए? देखो, 2019-20 में हम लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया था। पहले हम लोग किसानों को पुरस्कृत करते रहते थे, प्राइज देते थे, अवार्ड्स देते थे, और उसमें हम कोई कैटेगरी उस टाइप का नहीं रखते थे, वो सिर्फ प्रोडक्शन बेस्ड था। अब हम लोगों ने उसमें एक नया कैटेगरी डाला कि अगर कोई यंग किसान 18 से 25 के उम्र के बीच का किसानी करता है और अच्छा एक किसानी में टेक्नोलॉजी के यूसेज को दिखाता है और अपना उत्पादन और उत्पादकता बढ़ा के दिखाता है, जो एवरेज डिस्ट्रिक्ट का एवरेज है उससे सर्वाधिक करके दिखाता है और क्रॉप कटिंग में वो नंबर वन आता है, तो हम लोगों ने उनको फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज रखा, 51,000, 31,000, 21,000, और ये इनाम हम हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उनको उपलब्ध कराते हैं। नंबर एक, लास्ट ईयर कोविड में हमने देखा कि बहुत सारे लेबर फोर्स आ रहे थे, उनको सेवा आयोजन देने के लिए हमने ये कहा कि उनको तो मनरेगा या बाहर मिल जाएगा, उनकी जो महिलाएं आई हैं उनके लिए हम एक प्रोग्राम चलाते हैं गन्ना विभाग में, और हम लोगों ने उनकी महिलाओं को एक समूह बना के उनको जो गन्ना एक वेजिटेटिव सीड है, गेहूं धान के अलावा जैसे बीज नहीं होता, आपको गन्ने को ही काट के बोना पड़ता है, वेजिटेटिव सीड है, इसका प्रोपोगेशन और मल्टीप्लीकेशन बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज लाइव सीड होता है, लाइव काट के देना होता है, इट कांट बी ट्रांसपोर्टेड। बाकी सीड मक्का वगैरह का जर्मनी से वर्ल्ड के कहीं से भी ट्रांसपोर्ट होके आ सकता। इसको फिर हमने कहा कि जितना सीड मल्टीप्लीकेशन प्रोग्राम में हम इन महिलाओं को लगाएंगे, 10 या 10 से अधिक का समूह बनाया, और पहले हमने 1300 समूह का लक्ष्य था जिसको अब बढ़ाकर हमने 4000 समूह कर दिए। अभी हमारे पास 1500 महिलाएं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में हर विभाग के ऐसे कार्यक्रमों को देखा तो 11 पुरस्कार में एक कार्यक्रम 2 महीना पहले शुरू हुआ था, उसमें से 2 महिलाओं को मिला, एक अयोध्या की हमारी बहन को मिला और एक बरेली में एक हमारे यंग बहन को मिला जो जिसका नाम कुसुम है, तो ऐसे सब बच्चों को ये मिला और वो लोग सेक्रेटरी अपने समूह के, ये लोग गन्ने, हम लोगों ने इनको ट्रेनिंग दिया और सब कराया और ये गन्ने का बीज बना के किसानों को उपलब्ध कराते हैं, वो बोते हैं, एक ट्रे होता है उसमें बोते हैं, जैसा धान की रुपाई होती है वैसे इसकी भी रुपाई होती है। तो अब हमने जब इनका सक्सेस देखा तो हमने हमारे युवा किसान में 2 कैटेगरी कर दी, एक मेल यंग बॉयज़ के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एक महिला लड़कियों के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और मुझे खुशी अगर मैं आपको उनका इंटरव्यू दिखाऊँ या आप लोग उनका इंटरव्यू करोगे तो आप जाके देखोगे उन महिलाओं में कितनी खुशी है। फिर हमने उन समूह को और भी चीज़ें दिया, एक पैडमेंटनी बेंडिंग मशीन दिया, कुछ बैकअप स्टॉक दिया, एक आर ओ प्लांट दिया कि वो लोग जहाँ भी अपना काम करें वहाँ पे स्वच्छता और पानी, उनको स्वच्छ पानी मिल जाए और वहाँ स्वास्थ्य वगैरह का भी ध्यान रहे, तो इनको 2-3 और बैकअप सपोर्ट हम लोगों ने दिया, ट्रेनिंग पूरा हम लोगों ने दिया और पहला इनिशियल मशीनरी का किट हम लोगों ने उनको उपलब्ध कराया। दे आर डूइंग वंडर्स, यू विल बी सरप्राइज कि एक एक महिला, अभी मैं कल ही देख रहा था, 2 लाख सैपलिंग्स बना रही है, एक सैपलिंग में उसको 3 रुपये में वो बेचती है, 3 रुपये में 1.5 रुपये किसान देता, 1.5 रुपये हम देते, सब्सिडी हम देते, 1.5 रुपये 1.5 रुपये किसान देता है, 3 रुपये बेच रही है, 6 लाख रुपये
10 महिलाएं मिलके एक महीने में 6 लाख रुपए बना ले रही है। तो हमने जब एवरेज देखा तो 60,000 रुपीज पर मंथ इन महिलाओं को ड्यूरिंग कोविड नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में मिल गया। 60,000 रुपीज पर मंथ घर बैठे बैठे, उनके पति भाई बेटे घर पे थे, लेबर सब। तो उन्होंने ये जब किसान ने कहा हमको लेबर नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा हम ही रुपाई कर देंगे। तो उन लोगों ने आपस में तय किया, हमने उनको कोई रेट नहीं बताया, 300 रुपये बीघा उनके पति भाई। तो ये महिलाएं उस बीज को, एक ट्रे आता है प्लास्टिक का, उसमें रुपाई कर देती है, बीज डाल देती है, वो बीज एक महीने का हो जाता है। जब बीज एक महीने का हो जाता है तो उनके पति भाई ले जाते हैं और रुपाई कर देते हैं। ये लोग अलग कमा रही है, उनको 300 रुपये बीघा अलग पैसा मिल रहा है, तो ये एक अच्छा है। तो ये हमें ना, जब तक हम ये नहीं करेंगे ग्रामीण में, ये एक रिस्पेक्ट टू फार्मिंग। और मुझे अच्छा ये लगा कि एक बच्ची जिससे मैं मिल आ रहा था यहीं हरदोई की, उसको फिर हमने एक इंटरव्यू के लिए जब भेजा था यहाँ से टीम, तो उसको उन्होंने क्वेश्चन किया तुम क्या पढ़ रही हो, तो उसने बताया कि मैं लखनऊ में BSc पढ़ रही हूँ या BCom पढ़ रही हूँ, कोविड में लॉकडाउन था घर पे थी। तो उसने ये भी बताया कि उसकी सहेलियाँ बोलती है, जब उसने अपना अपना सब खुशी से जाहिर की मैं ये कर रही मैं वो कर रही, तो उन्होंने कहा तो इतना पढ़ लिख के किसान बनेगी। तो उसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, उसने कहा कि किसान बनने में क्या खराबी है, अगर किसान ग्रामीण अंचल में अगर अन्न न बनाएगा तो आप यहाँ शहर में जो खा रही हो, इवन अगर पिज्जा में भी जाके खा रही, तो गेहूँ तो किसान ही बना रहा, उसका सब्जी उसके ऊपर टॉपिंग सॉरी किसान ही बना रहा। तो उसका मैं इंटरव्यू आपको शेयर करूँगा, आप उसका इंटरव्यू देखिए, इसमें हर्ज क्या है। मेरे को तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, पहले मुझे नहीं होता था। एक मुझे और अच्छी बात याद आ रही, हमने तिहाड़ जेल में जब मैं भारत सरकार में था पोल्ट्री की ट्रेनिंग दी थी, और हमने तिहाड़ सेल 1 और 6 में दिया जिसमें लाइव कन्विक्ट्स होते हैं, 1, 3 और 6 नंबर 6 महिलाओं का है लाइव कन्विक्ट्स, 1 और 2 या 1 और 3 पुरुषों का है। उसमें एक पुरुष ने जब मैं उसको प्रमाण पत्र दे रहा था, अच्छा हाँ ये बता दो, इन बच्चों को जब हम देते हैं तो एक मोमेंटो देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से, एक सर्टिफिकेट देते हैं कि आप फर्स्ट आए सेकेंड आए, और एक कैश प्राइज देते हैं। तो वहाँ पर जब हम तिहार में ट्रेनिंग देने के बाद उनको सर्टिफिकेट दे रहे थे दैट यू आर ट्रेन पोल्ट्री फार्मर नाउ, तो उसने मुझे कहा कि सर मुझे किसी कारण से वो लाइफ मर्डर में लाइफ कन्विक्ट हो गया था। तो मैंने कहा यहाँ से जब चाहोगे, मैंने उससे पूछा सर्टिफिकेट देने के बाद के प्रोग्राम में, क्या आप इसको अपनाओगे, तो एवरीबडी वॉज स्टंड, बोला सर मेरे घर में पोल्ट्री फार्मिंग है लेकिन मुझे घृणा हो गई थी पोल्ट्री फार्मिंग से, तो मैं कुछ और करना चाहता था। खैर कुछ दुर्घटना में कोई क्राइम घटित हो गया और वो आ गया, मैंने कहा आप क्या करोगे, बोलता जाके मैं पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूँ। सी द पॉइंट इज अगेन यू हैव टू गिव डिग्निटी टू लेबर, रिस्पेक्ट टू लेबर, एंड एवरी थिंग एवरी लाइवलीहुड एवरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इज इक्वली रिस्पेक्टफुल। अनफॉर्चुनेटली अपने खेत में काम करना इज डिसरिस्पेक्टफुल, लेकिन ऑफिस में जाके घंटी पे बैठना, चपरासी बनना इज रिस्पेक्टफुल। आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ द माइंडसेट, नहीं देयर इज एन इकोनॉमिक रीजन आल्सो, बिकॉज वहां बिना काम करे तनख्वाह मिल जाएगा महीने में, या खेत में हमें काम करना होगा, सो इट्स ऑल दैट। नाउ दिस हैज टू बी इनकल्केटेड इन यंग ब्रेन्स, इट हैज टू बी क्यूरेटेड एंड टोल्ड, एंड दे हैव टू बी एक्सप्लेन्ड, दे हैव टू बी ट्रेन्ड कि भैया ऐसा नहीं है, दैट इज ऑल्सो इक्वली रिस्पेक्टफुल एंड यू आर योर ओन एंटरप्रेन्योर। हमने देखा हिंदुस्तान में भी पहले 60-70 के दशक में कृषि का योगदान जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद है उसमें काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, और वो धीरे धीरे कम होता गया। उसका एक दूसरा कारण था कि इंडिया की इकोनॉमी बड़ी हो रही थी, और दूसरा था कि एग्रीकल्चर का इनपुट स्थिर रहा या बढ़ा नहीं या स्थिर रहा। तो आप आज की तारीख में अगर आपने जो बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है कि अगर कृषि को अगर हम एक सम्माननीय सम्मानजनक प्रोफेशन बनाएं, लोग अगर कृषि कर रहे हैं तो उसमें प्राउड फील करें कि हम एक किसान हैं अपने खेत में काम कर रहे हैं, तो वो लाने के लिए उस मानसिकता को बदलने के लिए क्या करना होगा। और दूसरी चीज़ एक उसी से रिलेटेड है
हम मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो जिन्होंने एग्रीकल्चर पढ़ा है या अन्य किसी सब्जेक्ट में पढ़ाई की है, अब वो फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। अगर आप दिल्ली, मुंबई, पुणे जैसे शहरों में देखें तो कुछ लोग डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ लोग आगे ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, कुछ लोग पॉली हाउस में भी कर रहे हैं। तो आप इन दोनों मुद्दों को जोड़ के कैसे देखते हैं कि हमारा जो पढ़ा लिखा युवा है वो किस तरह से कृषि में आ सकता है और उसको लगेगा कि ही इज कंट्रीब्यूटिंग समथिंग। एक तो जैसे मैंने बताया कि उसको सम्मान देना, दूसरा उसको नॉलेज और एक्सटेंशन देना, उसके साथ उसको टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना और उसके प्रोड्यूस को एक अच्छा मार्केट देना। देखिए, अल्टीमेटली जहाँ पर पैसा है, वाई पीपल सेल देयर लैंड एंड बिकम अ प्यून इन सम अर्बन ऑफिस? इट्स सिंपली बिकॉज दे थिंक हियर देर इज अ फिक्स्ड मंथली इनकम। अनलेस एंड अंटिल वी प्रोवाइड दिस इन एडिशन टू द अदर बेसिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बिजली, पानी, हाउस एंड अदर सच थिंग्स, ट्रांसपोर्ट, रोड, वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए, हाइजीन, हॉस्पिटल, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए और उनको हम ये चार पांच चीज़ें दे दें, टेक्नोलॉजी दे दें, ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन उनको कर दें, इनपुट्स अवेलेबल करा दें, मार्केट्स उपलब्ध करा दें उनको, हमको एक हम एक आजकल हम एक किसानों में एक जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, 1 डे, 3 डे, 5 डे, 7 डे, उसमें एक सेशन अगर 2 डे प्रोग्राम है तो हम एक हाफ डे प्रोग्राम उसमें मार्केटिंग पे रखते हैं, कहाँ कहाँ उनको मार्केट्स अवेलेबल है, चाहे ई कमर्शियल कमर्शियल पोर्टल्स हैं, चाहे मंडीज हैं, चाहे अब उनको जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग है, ये सब से उनको देन एक बहुत अच्छा चीज आया। अपार्ट फ्रॉम कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया इज दिस फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, FPOs। दिस इज अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट वेयर फार्मर्स दे आर ऑल मेकिंग मशरूम से 50 फार्मर्स और मेकिंग मैरीगोल्ड, दे कम टुगेदर, दे डेवलप बिकॉज देन देयर बार्गेनिंग पावर इंक्रीज। फार्मर गेट्स गुड मनी व्हेन हिज बार्गेनिंग पावर गेट्स इंक्रीजेस थ्रू सच प्लेटफॉर्म्स। अदरवाइज अकेले में जब हो जाता है तो उसको कहीं आड़तिया लूट लेता है, कहीं कोई और लूट लेता है, तो दैट इज हैपन एंड देन ही गेट्स डिसगस्टेड एंड फ्रस्ट्रेटेड कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, ही रिस्पेक्ट्स हिज प्रोड्यूस, ही लव्स हिज प्रोड्यूस, कि मेरे मेहनत का आया। हम कोई भी हम बैठ के कमाएं और हम मेहनत करके कमाएं, दोनों में आपको पता चलेगा मेहनत वाले में आपको आनंद ज्यादा महसूस होता है। इसमें एक सवाल और भी निकल के आता है कि इस पूरे सेक्टर को अगर हम वाकई में बढ़ावा देना चाहते हैं, चाहे वो फार्मर्स की इनकम डबल करना हो, रूरल एरियाज़ को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना हो, हमारे पास एक स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने कई सारे मंच पे ये बात की है कि बहुत सारे लोग हैं जो खेती की तरफ आना चाहते हैं लेकिन उनके पास स्किल सेट नहीं है, उनको नहीं पता है कि कहाँ से शुरुआत करें। तो वो हम या फिर अगर उनके पास लैंड है भी उनके एंसेस्टर विलेज में बट उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज जो था उससे वो नहीं करना चाहते, कुछ नया करना चाहते, तो वो कैसे संभव है, आपका देखिए डिपार्टमेंट कैसे कर वो सकता है? उसमें ना हर शहर में एक मिनिमम और 2 KVKs है कृषि वैज्ञानिक केंद्र। दीज KVKs आर डूइंग गुड। जहां पर जैसे कोस्टल है तो वहां फिशरीज का स्ट्रांग है तो दे कैन अप्रोच द KVKs एंड द एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और एनी सच खेल और हॉर्टिकल्चर एंड ट्राई टू गेट टू नो द स्कीम्स एंड दिस। आई अग्री, वर्किंग एंड इंटरेक्टिंग विद गवर्नमेंट इज नॉट ऑलवेज स्मूथ। पांचों उंगली बराबर नहीं होती, समवेयर यू गेट एक्सेलेंट सपोर्ट एंड रिस्पॉन्स, समवेयर इट मीडियोकर, समवेयर इट इज पुअर, बट देर आर इनफ प्लेटफॉर्म्स नाउ अवेलेबल एंड प्रोग्राम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट जो ये सब चीज़ों पर बहुत तवज्जो डाल रहे हैं। और अगर कोई बच्चा दिल से चाहे, आई नो ऑफ मैनी बॉयज, कल ही हम लोग का 25,000 किसानों का एक सम्मेलन था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी इतवार के दिन तो वहाँ पे हमने प्रदर्शनी भी लगाई थी। उस प्रदर्शनी में हमीरपुर से एक लड़का आया था, BSc एग्रीकल्चर किया, हमीरपुर में दलहन बहुत होता है तो वो खुद अपने खेत का दलहन को प्रॉपर FSSAI का लाइसेंस वगैरह लेके पढ़ा लिखा BSc लड़का पैकेजिंग किया
और वो अपना पूरा स्टॉल लगाया एंड ही वाज सेलिंग ऑर्गेनिक दलहन एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस. तो मेनी पीपल बॉट इट एंड काफ़ी उसका बिक गया. तो ऐसा नहीं है. यस मार्केटिंग इज अगेन अ बिग चैलेंज बिकॉज दिस एमएनसीज दे इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू सेल एनी ट्रैश इन द नेम ऑफ देयर थ्रू देयर एडवर्टीजमेंट एंड थ्रू देयर ब्रांड नेम. बट जनरली प्रोडक्ट सोल्ड बाय एमएनसीज इज नॉट ऑलवेज गुड स्पेशली फूड. आई एम टॉकिंग ऑफ फूड. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सेल फोन्स. आई एम टॉकिंग ऑफ फूड. इट्स इट मे नॉट बी गुड. इट मे बी बॉट फ्रॉम सम ट्रैश एंड पैकेज प्रॉपरली एंड ब्यूटिफुली एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो अगर आपको ये देखना है तो इस प्रकार के हम छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर डेवलप कर दें. जो गांधी जी ने भी कहा कि जितना हम छोटे और कॉटेज को हम डेवलप करेंगे इट वुड बी मच मच बेटर. मेरा अंतिम सवाल आपसे है, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और आपका विजन क्या है रूरल यूथ और रूरल एरियाज के लिए? मेरा विजन रूरल यूथ और रूरल एरिया के लिए रहेगा कि जिस तरह से भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाएं आई है और हर पहलू पे अब एक योजना चल रही है, अगर बच्चे पूरे मन से और श्रद्धा से और शिद्दत से अगर लगेंगे और इन कार्यक्रमों के तहत अपने आप को लाभान्वित करते हुए ग्रामीण अंचल में जो किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में प्रतिभाग करेंगे और अगर उनके पास अपने घर का खेती बाड़ी जमीन जायदाद या घर में जानवर है डेयरी है तो दे कैन डू रियली वंडर्स. आई नो मैं भी गया था जब मैं भारत सरकार में था नासिक में एक अच्छे परिवार ने डेयरी ऑर्गेनिक डेयरी खोला है एंड यू वुड बी सरप्राइज ही वाज सेलिंग मिल्क पर बॉटल एट 90 रुपीज. एक लीटर दूध 90 रुपये में बेच रहा था जब 30-35-40 रुपये में आपको दूध मिल रहा था ऑर्गेनिक दूध एंड उसका दूध एंड टू एंड कस्टमर टाइट था. एडवांस में महीने भर का पैसा ले लेता था और वो दे रहा था. तो इस प्रकार के बहुत सारे ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं लोगों ने किया है. नॉट ओनली गवर्नमेंट प्राइवेट लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किया है और ब्यूटीफुल आइलैंड्स ऑफ एक्सेलेंस है. देख वही जाके हमें देखना और वही हमें रेप्लीकेट करना है. थैंक यू सो मच सर, आपने हमें समय दिया और बताया कि हमारे प्रदेश के युवा किसान किस तरीके से खेती में आ सकते हैं, कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं, डिपार्टमेंट सपोर्ट क्या मिलेगा, सरकार कैसे मदद कर सकती है. मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे हमारे किसानों की इनकम भी बढ़ेगी और आने वाले समय में रूरल एरिया की प्रॉब्लम सॉल्व होने की वजह से शहरों की भी समस्या सॉल्व का समाधान. थैंक यू सर. थैंक यू.